हेलो फ्रेंड्स, नाउ विल डिस्कस ए न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग। यानी कैश मेमोरी मैपिंग का जो कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसका थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा था सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग का, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो न्यूमेरिकल जो है वो ये है, ए टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। तो सबसे पहली बात हमें पता लगी, ए टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी लिखा हुआ है कि सेट का साइज़ कितना है, 2 है। हर सेट के अंदर 2 ब्लॉक हैं, तो पहली चीज़ हमें पता लग गया। यूजेस ब्लॉक ऑफ 4 वर्ड्स, ये भी पता लग गया कि ब्लॉक का साइज़ कितना है, 4 वर्ड्स है। हर सेट में 2 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स हैं। टू वे सेट एसोसिएटिव यानी सेट साइज इक्वल टू 2, यानी हर सेट में 2 ब्लॉक, और ब्लॉक्स ऑफ 4 वर्ड का मतलब ये है कि हर ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स, यानी ब्लॉक साइज 4 दे रखा है। आगे दिया हुआ है द कैश कैन एकोमोडेट ए टोटल ऑफ 2048 वर्ड्स ऑफ मेमोरी। यानी कैश के अंदर मेमोरी कितने वर्ड आ सकते हैं, 2048, यानी कैश का साइज कितना है, 2048। द मैन मेमोरी साइज इज 128K x 32। मेन मेमोरी का जो साइज है वो दे रखा है 128K x 32, ठीक है, यानी 128K वर्ड्स हैं और हर वर्ड की लेंथ कितनी है, 32 है। ठीक, पूछ के कह रहा है फॉर्मुलेट ऑल द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप स्पेसिफाई कीजिए। सेकेंड क्या कह रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ द कैश मेमोरी का साइज क्या होगा जो सीपीयू रीड करेगा इसमें, ठीक है। तो जो चीज़ हमने आपको इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताई थी सेट एसोसिएटिव के में, वही हम यूज करेंगे यहाँ पर। अगर वो पूछता है कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द कैश मेमोरी, इसका मतलब वो हमसे पूछना चाह रहा है कि जो एड्रेस फॉर्मेट होगा मेमोरी का, जिसमें टैग सेट ऑफ वर्ड आते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि जो मेन मेमोरी का एड्रेस फॉर्मेट है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, जो कि हमने आपको बताया था, टैग होता है, सेट होता है, वर्ड होता है, ठीक है, और सेट और वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इंडेक्स। तो पहले पार्ट में ये सारे टैग की वैल्यू, सेट की वैल्यू, वर्ड की वैल्यू और इंडेक्स की वैल्यू पूछ रहा है। सेकंड में पूछ रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का नॉर्मल साइज तो 2048 वर्ड दे रखा है, लेकिन जब सीपीयू रीड करता है उसे तो उसमें कुछ अलग से पार्ट भी ऐड करना पड़ता है। उसको ऐड करने के बाद कैश मेमोरी का साइज क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले जो आपको मेन मेमोरी का साइज देखा 128K x 32, यानी ये जो मेन मेमोरी है इसका साइज कितना, 128K x 32, जहाँ पर 128K क्या है इस मेमोरी में, यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्ड कितने हैं, वर्ड्स 128K। यहाँ K का मतलब क्या होता है, 1024 2 की पावर 10, ठीक। और 32 क्या है कि 128 के वर्ड्स हैं और हर वर्ड कितने बिट का है, 32 का। इनटू के बाद जो वैल्यू होती है वो क्या बताती है, वर्ड की लेंथ, कि हर वर्ड की लेंथ क्या है, 32, यानी इसमें जो भी वर्ड होगा उसकी लेंथ क्या होगी, 32, ठीक। अब सेट एसोसिएटिव मैपिंग में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग का हमने क्या कंसेप्ट आपको बताया था कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग में मेन मेमोरी से ब्लॉक जो कॉपी होती है वो कैश के सेट्स में होते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी से जो भी ब्लॉक कॉपी होगा वो कैश के किस में जाएगा, ब्लॉक में नहीं जाएगा, कैश के सेट में जाएगा, ठीक है। यानी किस तरीके से सेट में जाएगा वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। यहां पर भी जितना रिक्वायरमेंट होगा हम आपको स्पेसिफाई कर देंगे। तो कुछ चीजें और दे रखी हैं इसमें, सेट साइज कितना दे रखा है, 2, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2 वे सेट एसोसिएटिव। ब्लॉक साइज कितना दे रखा, 4, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। और किस सेट के अंदर जाएगा, मेन मेमोरी का जो ब्लॉक मैंने कहा किस सेट के अंदर आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया था कि कैश मेमोरी का सेट नंबर आपको पता लगाना है किस सेट में आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, कैश मेमोरी सेट नंबर इक्वल टू मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर मॉड नंबर ऑफ सेट्स इन कैश मेमोरी। इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैश के किस सेट में जाएगा। इसका हमने डिटेल ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकल जहाँ कंसेप्ट बताए थे वहाँ ऑलरेडी आपको स्पेसिफाई कर दिया है किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब मेनली जो पहला पार्ट पूछा गया है उस पर आते हैं सीधे।
पहले पार्ट में पूछा गया है कि जो एड्रेस फॉर्मेट है उसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे, अगर वो कह रहा है मिनिमम इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बताइए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एड्रेस फॉर्मेट है इसकी एड्रेस बिट्स कितनी होंगी, टोटल बिट कितनी होंगी, सबसे पहले हमें ये निकालना है। तो टोटल बिट कितनी होती है एड्रेस फॉर्मेट में, जितनी मेन मेमोरी को एड्रेस की जरूरत पड़ती है। एड्रेस फॉर्मेट में कितनी बिट्स होती हैं, जितनी मेन मेमोरी को अपने एड्रेस के लिए चाहिए। और मेन मेमोरी को अपने एड्रेस के लिए कितनी चाहिए, देखिए मेन मेमोरी का साइज 128K, मेन मेमोरी का साइज कितना 128K वर्ड्स है। तो 128K किसके इक्विवेलेंट होता है, 128 का मतलब 2 की पावर 7 और K का मतलब 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर 7 + 10 2 की पावर 17, यानी कि 17 बिट रिक्वायर्ड होंगी मेन मेमोरी के एड्रेस में। जो मेन मेमोरी में हर वर्ड का एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा, 17 बिट का होगा। ये हमने कहाँ से निकाला, 128 के वर्ड से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है टोटल वो कितनी लेंथ है टोटल, 17 बिट्स की है, ठीक है। 17 बिट की जो लेंथ है ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग में 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, टैग में, सेट में और वर्ड में, ठीक। टैग कितने बिट का होगा, सेट कितने बिट का होगा, वर्ड कितने बिट का होगा, ये देखिए। वर्ड देखिए, सबसे पहले वर्ड किससे निकलता है, ब्लॉक का साइज कितना है, इससे निकलाएंगे वर्ड के बिट। ब्लॉक का साइज कितना है हमारा, 4 वर्ड्स, ब्लॉक साइज इक्वल टू 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 4 वर्ड्स के लिए कितनी बिट रिक्वायर्ड हुई हमें, 2 बिट्स। अगर ब्लॉक साइज 8 दे रखा होता, ब्लॉक साइज अगर 8 होता तो 8 को क्या लिखते, 2 की पावर 3, तो कितनी बिट रिक्वायर्ड होती, 3, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ब्लॉक का साइज कितना है, उस पर ये वर्ड वाली बिट डिपेंड करती है। सेकंड आता है सेट, ये सेट कैसे निकलेगा, सेट निकलता है नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में कितने सेट्स हैं, इससे निकल के आएगा। देखिए कैश में कितने सेट हैं किस पर डिपेंड करता है, टोटल ब्लॉक्स इन कैश मेमोरी डिवाइडेड बाई द सेट साइज, इससे निकल के आएगा सेट, ठीक। लेकिन हमें तो ये पता होना चाहिए कितने ब्लॉक है मेन कैश मेमोरी में, हमें सिर्फ क्या पता है कैश में कितने वर्ड्स हैं, कैश में कितने वर्ड्स हैं, 2048 वर्ड्स। तो आप देखिए 4 वर्ड का तो एक ब्लॉक बन रहा है, 4 वर्ड का एक ब्लॉक बन रहा है, तो 2048 वर्ड्स के कितने ब्लॉक बनेंगे। पहले हम ब्लॉक निकालेंगे, नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक कैसे निकलेंगे, 4 वर्ड का एक ब्लॉक, तो 2048 वर्ड से कितने ब्लॉक, कितने निकलेगा, 2048 डिवाइडेड बाई 4, कितने आ गए, 512 ब्लॉक्स। तो कैश मेमोरी में कितने ब्लॉक हो गए, वर्ड तो कैश मेमोरी 2048 है लेकिन ब्लॉक साइज कितना है, 4 है, इसलिए वर्ड्स ब्लॉक कितने आ गए, 2048 डिवाइडेड बाई 4, 512 ब्लॉक्स आ गए। तो कैश के हमें ब्लॉक पता लग गया, कैश में कितने ब्लॉक हैं टोटल, 512 ब्लॉक्स हैं। अब हमें तो निकालना था कितना क्या, कितने सेट हैं कैश में, कैश में कितने सेट हैं। तो कैश में सेट कैसे पता लगाएंगे, सेट साइज कितना है, 2, यानी एक सेट के अंदर कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं, यानी 2 ब्लॉक से कितने सेट बन रहा है, 1 सेट, 2 ब्लॉक किसके इक्विवेलेंट है, 1 सेट के। तो 512 ब्लॉक्स के कितने सेट बनेंगे, 2 ब्लॉक का 1 सेट, तो 512 ब्लॉक्स के कितने सेट, 512 डिवाइडेड बाई 2, कितने आ गए, 256 सेट। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसमें कितने सेट्स हैं टोटल, सेट 0 से लेकर सेट 255 तक टोटल कितने सेट्स हैं, 256। तो ये जो सेट बिट किससे निकलती हैं, कैश मेमोरी में कितने सेट्स हैं, ये हमने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। वर्ड से पहले क्या निकाला, ब्लॉक निकाले कैश मेमोरी के, और ब्लॉक से क्या निकाला फिर, सेट कितने हैं, सेट निकल के आगे 256। ये 256 से ये सेट वाली बिट पता लगती है आपको, 256 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 8 सेट्स। तो पावर कितनी है, 8 बिट्स। तो सेट की बिट किस पर डिपेंड करेंगी, कितने सेट हैं टोटल, उसको 2 की पावर में लिख लीजिए, आपको पता लग जाएगा सेट की कितनी बिट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगला आता है टैग बिट। टैग बिट कैसे निकलती हैं, टैग बिट इसमें ऐसे निकलेंगी, टैग बिट ये बताता है कि मेन मेमोरी के कितने ब्लॉक, मेन मेमोरी के कितने ब्लॉक कैश के एक सेट में आ सकते हैं, मेन मेमोरी के कितने ब्लॉक्स, टोटल कितने ब्लॉक कैश के एक सेट में आ सकते हैं। एट ए टाइम तो 2 आएंगे क्योंकि सेट साइज 2 दे रखा है, लेकिन ऐसे कितने सेट हैं जो आ सकते हैं, ठीक है, टोटल ऐसे कितने सेट्स हैं।
वो डिसाइड करता है टैग, ठीक है। तो टैग क्या बता रहा है, हाउ मैनी मैन मेमोरी सेट्स इन, सॉरी हाउ मैनी मैन मेमोरी ब्लॉक्स इन वन सेट ऑफ कैश मेमोरी, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है, मैन मेमोरी ब्लॉक्स डिवाइडेड बाई कैश मेमोरी सेट। अगर आपको ये पता लगाना है कि मैन मेमोरी में ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं जो कैश के एक सेट में आ सकते हैं, तो मैन मेमोरी ब्लॉक्स को कैश मेमोरी सेट से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा मैन मेमोरी ब्लॉक्स कितने होंगे। ये पता होना चाहिए, मैन मेमोरी कैश मेमोरी सेट्स तो हमने निकाल लिया 256, लेकिन मैन मेमोरी ब्लॉक्स कितने होंगे, मैन मेमोरी के अंदर वर्ड्स कितने हैं, 128 के वर्ड्स, यही तो बताया था मैन मेमोरी वर्ड्स कितने हैं, 128 के वर्ड्स। और चार वर्ड का क्या एक ब्लॉक है, फोर वर्ड का एक ब्लॉक, तो 128 के कितने ब्लॉक्स, 128 डिवाइडेड बाई फोर, चार वर्ड का एक ब्लॉक तो 128 के कितने ब्लॉक्स, 128 के डिवाइडेड बाई फोर, कितना आ गया 32 के। तो मैन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स आ गए, 32 के, ठीक है। तो मैन मेमोरी ब्लॉक्स के आपने कितना रख दिया, 32 के रख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैश मेमोरी सेट्स निकाला था 256। तो 32 के को डिवाइड करिए 256 से, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 128 है। तो हमने क्या बताया था, ये टैग बेड किससे निकलती हैं, इस वाले से। कितनी आई इसकी वैल्यू, 128। 128 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 7, यानी टैग की बिट कितनी होंगी, 7। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, तो ये जो हमें एड्रेस की बिट निकालते हैं, वर्ड तो निकलता है किससे, ब्लॉक का साइज कितना है, 4 वर्ड्स था इसलिए 2 की पावर 2 2 बिट्स होंगी। सेट की बिट किससे निकलती है, कैश मेमोरी में कितने सेट्स हैं, कैश मेमोरी में कितने सेट्स थे, 256, यानी 2 की पावर 8, 8 बिट उससे आ गए। टैग बिट किससे निकलती हैं, कि मेन मेमोरी के ऐसे कितने ब्लॉक्स थे जो कैश के एक सेट में आ सकते हैं, वो फॉर्मूले से हमने निकाला 128 का मतलब 2 की पावर 7, यानी 7 बिट्स। इंडेक्स बिट कैसे निकलेंगी, इंडेक्स बिट कैसे निकलती हैं, जो सेट बिट और वर्ड बिट होती हैं इनको प्लस कर दीजिए, आपको इंडेक्स बिट मिल जाएगी, ठीक है। इंडेक्स बिट आपको हेल्प करेंगे किससे पता लगाने में, कि आपका कैश मेमोरी का साइज फाइनली कितना बनेगा। तो पहले तो इंडेक्स बिट निकालिए, सेट बिट प्लस वर्ड बिट कितनी होगी, 8 प्लस 2 10 बिट्स, इंडेक्स कितनी बिट आ गई, 10 बिट्स। तो सबसे पहले एग्जाम में जो पहला पार्ट पूछा उसका ये आंसर है, टैग बिट इतना, सेक बिट इतना, वर्ड बिट इतना और इंडेक्स बिट इतना, ठीक है। और निकला किससे, मैन मेमोरी के एड्रेस बिट से, जो कि टोटल कितनी बिट की थी, 17 बिट्स की थी। अब सेकंड क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द साइज ऑफ द कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का साइज क्या होगा। तो ये तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हर सेट का साइज कितना है, 2, यानी ब्लॉक 0 भी इसमें आएगा, भाई हर सेट के अंदर कितने ब्लॉक आ सकते हैं, 2 ब्लॉक आ सकते हैं। ब्लॉक 0 आ गया मान लीजिए, ब्लॉक 256 आ गया, ब्लॉक 1 आ गया, ब्लॉक 257 आ गया। ये कैसे पता लग रहा है कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा कैश में, इस फॉर्मूले में 256 रख दीजिए, 256 मैन मेमोरी ब्लॉक नंबर मॉड नंबर ऑफ सेट इन कैश मेमोरी, कितने 256 मॉड 256 कितना आया, 0, 0 वाले में आएगा सेट नंबर 0 वाले में। तो कैश मेमोरी किस सेट में आ रहा है, ये आप यहाँ से पता लगा सकते हो। तो यहाँ से हम सिर्फ क्या बताना चाह रहे हैं, कि हर कैश के सेट में 2 मेन मेमोरी के ब्लॉक आ रहे हैं एट ए टाइम, ठीक। अब क्या पूछ रहा था वो, व्हाट इज द साइज ऑफ द कैश मेमोरी, जो हमने कहा 2 ब्लॉक आ सकते हैं, तो जो भी ब्लॉक आएगा पता तो है नहीं कि ब्लॉक 0 256 आ रहे हैं या ब्लॉक 256 ब्लॉक नंबर 500 आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मैन मेमोरी के ब्लॉक हैं जो कैश के एक ब्लॉक में आ सकते हैं, कौन से वाले हैं वो किससे पता लगता है हमें, टैग बिट से। तो क्या होगा, हर ब्लॉक के साथ जो भी यहाँ से यहाँ आएगा उसके साथ क्या एसोसिएटेड रहेगा, उसका टैग एसोसिएटेड रहेगा। अगर ये ब्लॉक 0 आता है तो इस ब्लॉक के साथ क्या रहेगा, इसका टैग रहेगा। ये वाला आएगा ब्लॉक, इसके साथ क्या रहेगा, इसका टैग रहेगा। हर ब्लॉक के साथ उसकी टैग बिट एसोसिएटेड रहती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सेट का साइज 2 है, दोनों जो ब्लॉक आएंगे उनके साथ क्या एसोसिएटेड रहेगा, टैग एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। तो ब्लॉक, ये जो वर्ड आया, ब्लॉक आया, वो कितने बिट का आया, ब्लॉक तो आया 32 बिट का, और टैग कितने बिट का आया,
7 बिट का। ऐसे ये वाला ब्लॉक कितने बिट का होगा? 32 बिट का। ये ब्लॉक भी कितना होगा? यहीं से तो आ रहा है, ये भी तो 256 जो है वो भी 32 बिट का, तो ये जो B0 आ रहा है ये भी 32 बिट का है, और इसका टैग भी कितने बिट का होगा? 7 बिट का। तो टोटल जो कैश मेमोरी का वर्ड है उसकी लेंथ कितनी हो गई? टोटल कैश मेमोरी के वर्ड की लेंथ कितनी हो गई? 32 प्लस 7 32 प्लस 7। यानी जो वर्ड बना कैश में, जो एक्चुअल हर वर्ड की लेंथ बनी कैश मेमोरी में, अब वो कितनी होगी? 32 प्लस 7 प्लस 32 प्लस 7। अगर ये सेट साइज 4 होता तो 4 टाइम्स कर दे, 32 प्लस 7 32 प्लस 7 32 प्लस 7 32 प्लस 7, हर किसी के साथ उसका टैग रहेगा। ठीक है, तो वर्ड की लेंथ तो ये हो गई, और कितने वर्ड्स होंगे? क्योंकि कैश मेमोरी का साइज निकालना है, तो साइज में क्या चीज़ निकलती हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू, ठीक है, वर्ड की लेंथ, इससे निकलता है सर। तो आपकी वर्ड की लेंथ आपकी कितनी हो गई? देख लीजिए आप, टैग डेटा, ये आपकी होगी 78 बिट्स। और ये पता लगाना है आपको नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स पता लगाने का तरीका ये है, 2 की पावर इंडेक्स बिट्स, 2 की पावर इंडेक्स बिट लग दीजिए, आपको वर्ड्स पता लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर इंडेक्स बिट्स कितनी है हमारी? 10। इनटू वर्ड की लेंथ कितनी है आपकी? अभी बताया आपको, 32 प्लस 7 32 प्लस 7 78। तो कितना आंसर आ गया? 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 इनटू 78। ये किसका साइज आ गया? कैश का। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेकंड पार्ट, के सेकंड पार्ट किस तरीके से सॉल्व होगा।